भय्यू महाराज आत्महत्या कांड में आज एक नया मोड़ आया। भय्यू महाराज के जिस युवती से संबंध होने की बात कही गई है, उसके पिता द्वारा यह कहा गया है कि महाराज ने ब्लैकमेल करने संबंधी कारणों के कारण कभी भी आत्महत्या करने की नहीं सोची थी। उन्होंने यह भी कहा वे आश्रम की मौजूदा स्थितियों से बेहद परेशान रहे थे। आश्रम की लगातार बढ़ती सेवादारों की गतिविधियाँ भी उनके लिए चिंता का विषय थी और परिवार के कुछ लोगों के दबाव भी उनके ऊपर थे और वे अपने ही लोगों की साजिश के शिकार भी हो रहे थे। युवती के पिता ने कहा कि मेरी बेटी के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है और अगर सबूत है तो फिर पुलिस ने उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी को महाराज अपनी बेटी कुहू की तरह ही मानते थे और यही वजह थी कि वे उसको हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्होंने यह भी कहा कि एक ड्राइवर जो फिरौती के लिए किसी और को धमका रहा है, उसकी बातों को पुलिस इतनी गंभीरता से कैसे ले रही है। उनका यह भी कहना था कि उनकी बेटी समय आने पर सामने आकर अपना बयान भी देगी। उनकी बेटी महाराज के सेवादार के रूप में थी और वे हमेशा उसे बेटी की तरह ही व्यवहार करते थे। वह उनकी माँ का भी ख्याल रखती थी। महाराज द्वारा उनकी बेटी को आश्रम के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी गई थी और यही वजह है कि उनकी बेटी को लोग जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। सवाल इस बात का भी है कि क्या कोई भी युवती जो आश्रम में सेवाधार थी वो भय्यू महाराज से 40 करोड़ की मांग कर सकती है? क्या किसी भी युवती के लिए संभव है कि इतनी बड़ी राशि की भय्यू महाराज से मांग कर ले और भय्यू महाराज को आत्महत्या करनी पड़े? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने फरवरी 2017 में आश्रम छोड़ दिया था। उनका यह भी कहना है कि आश्रम की स्थितियों को लेकर भय्यू महाराज बेहद परेशान रहते थे। दूसरी शादी के बारे में भी उन्होंने यह कहा कि 3 दिन से अन्य जल छोड़कर उनकी बहन ने उन्हें मनाया और तब वे कुहू से मिलने गए थे। तब उन्होंने कुहू से इस बारे में रजामंदी भी ली थी और मेरी बेटी को भी शादी के एक दिन पहले घर पर बुलाया था। उसे महाराज के साथ देखकर विनायक तथा बहन ने घर से भगा दिया था। इसके बाद से भी वे और तनाव में थे। आरोप है कि जो मेरी बेटी के बारे में आरोप यह लगाया जा रहा है कि वह 40 करोड़ मांग रही थी, तो क्या यह संभव है कि कोई युवती इतनी अधिक राशि महाराज से मांग ले? उनका यह भी कहना था कि आश्रम में बेहद गलत गतिविधियां चल रही है और एक गिरोह सक्रिय हो गया है जो महाराज की संपत्ति को ये इनके प्रकार हड़पना चाहता है।